So, hey. उससे ऊपर है तो जरूर रविंद्र में आके एडमिशन जरूर करना, क्योंकि उसका कन्फर्म मिलेगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। और उसके बाद रहा जिसका 80% कम है, तो गाइस उसको भी मिलना चांसेस बहुत ही हाई है गाइस, क्योंकि एडमिशन जो है ना रविंद्र में, तो वो कुछ पेज होता है, फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ सिलेक्शन, ऐसा कुछ होता है। तो अगर फर्स्ट सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो सेकंड सिलेक्शन से हो जाएगा, क्योंकि सेकंड सिलेक्शन में ना ऐसा होता है कि पहला सिलेक्शन में थोड़ा हाई होता है कट ऑफ रविंद्र में, उसके बाद सेकंड सिलेक्शन में थोड़ा कम होता है। जैसे कि मानो पॉलिटिकल साइंस में 80% या 85% है पहले जो सिलेक्शन में, उसका सेकंड सिलेक्शन में आएगा 80%, उसके बाद थर्ड सिलेक्शन में 75, मतलब चलो ऐसा थोड़ा कम हो जाएगा सिलेक्शन वाइज। तो इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो स्पीकर मतलब सबको मिल जाएगा रेवेंसा बोले तो, और उसके लिए बस कट ऑफ का जरूरत है, बस इंतजार करना आप सभी का। अभी फिलहाल अभी तक तो आप सभी का प्लस टू का रिजल्ट नहीं निकला ना, तो थोड़ा इंतजार करिए। और अगर आप सभी थोड़ा कुछ कमेंट रहेगा ना तो कमेंट जरूर बताना। आप चलते हैं कहाँ हॉस्टल के बारे में, थोड़ा हॉस्टल के बारे में थोड़ा आप सबको जानना है ना भाई, लोग बहुत सारे कमेंट किए थे हॉस्टल कैसा है और उसके बाद उसमें क्या क्या अलाउ है कुछ नहीं है वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उसमें कुछ सवाल का जवाब मैं लेके आ चुका हूँ। अब सबसे पहले बात करेंगे रेवेंसा साहब में बॉयज हॉस्टल कितना है और गर्ल्स हॉस्टल कितना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले चलते हैं बॉयज के ऊपर, क्योंकि बॉयज में ही हूँ ना, तो कुछ और ही समझ रहा था। तो सबसे पहले चलते हैं बॉयज हॉस्टल के ऊपर। तो रेवेंसा में 7 बॉयज हॉस्टल है, क्या क्या है ना, सबसे पहले आता है ईस्ट वेस्ट, मतलब ये नाम है इस हॉस्टल का, ईस्ट हॉस्टल, वेस्ट हॉस्टल, न्यू हॉस्टल, न्यू पीजी हॉस्टल, ललित गिरी हॉस्टल, धर्मपद हॉस्टल और जैसी हॉस्टल। जैसी मतलब जगन्नाथ छात्रावास हॉस्टल, जिसमें मैं रहता हूँ, तुम्हारा भाई रहता है जैसी में। और इतना 7 हॉस्टल है बॉयज़ हॉस्टल। और उसके बाद आते हैं हम गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल वैसे 6 हॉस्टल है, मतलब एक कम में बॉयज़ हॉस्टल है, 6 हॉस्टल है। और सबसे पहले महानदी हॉस्टल, देवी हॉस्टल, दया हॉस्टल, भार्गवी हॉस्टल, काठोजड़ी हॉस्टल और परिजा हॉस्टल, 6 हॉस्टल ऐसा है गर्ल्स हॉस्टल। और हमारा बॉयज़ को पता है 7 है। जितने भी सारे हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल जितने भी सारे हॉस्टल है ना, सब सारे के सारे हॉस्टल कैंपस के अंदर ही है सब हॉस्टल। और उसमें से एक हॉस्टल ऐसा है कि बाहर है, कैंपस से बाहर, वो है जैसी हॉस्टल। बोले तो मेरा हॉस्टल जगन्नाथ छात्रावास, पता नहीं क्यों कैंपस से बाहर है वो। और बोले तो रेवेंसा में प्लेस नहीं है या पता नहीं क्या सीन है, मुझे नहीं पता। और वो लगभग हमारा रेवेंसा से 1 या 2 किलोमीटर दूरी पर है, वो बस जाने आने में दिक्कत होता है और कुछ नहीं। सारे हॉस्टल बहुत ही अच्छा है, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल बहुत, सब कुछ फैसिलिटी वगैरह वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही। और बस दिक्कत ये है कि हमारा कैंपस से बाहर है जैसी हॉस्टल। और अब चलते हैं सीधे डायरेक्ट कहाँ हॉस्टल, सबसे पहले हम चलते हैं जैसी हॉस्टल, क्योंकि तुम्हारा भाई रहता है जैसी में। और जैसी में जाके देखते हैं क्या क्या उधर अलाउ नहीं है, क्या कुछ है, सबको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। बस कंटिन्यू ब्लॉग में, ब्लॉग नहीं गाइस, हर बार ब्लॉग कहता हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना। चलते डायरेक्ट कहाँ जैसी हॉस्टल, बोलते जगन्नाथ छात्रावास हॉस्टल। फिलहाल मैं हूँ रेवेंसा में, देख सकते हो। और चलो मिलते हैं सीधे हॉस्टल में।
सो गाइस फाइनल में पहुंच गया मेरा जैसी हॉस्टल बोले तो जगन्नाथ छात्रावास मेरा हॉस्टल में पहुंच चुका हूं। और फिलहाल देख सकते हो इस साइड ये मेरा हॉस्टल इस साइड लिखा है जगन्नाथ छात्रावास। और बोले तो हमारा जैसी हॉस्टल में 3 फ्लोर है, सबसे पहला ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मतलब 3 फ्लोर हमारा जैसी हॉस्टल में। और तुम्हारा भाई रहता है ग्राउंड फ्लोर में, सबसे नीचे वाला फ्लोर में तुम्हारा भाई रहता है। और बोले तो थोड़ा टूर करवा दूंगा थोड़ी देर बाद। सो गाइस आप सभी का जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे हॉस्टल में यूजी और पीजी साथ में रह रहे हैं। हमारे हॉस्टल में ना सिंगल बेड और डबल बेड, मतलब सिंगल रहने के लिए रूम है और डबल रहने के लिए, मतलब एक रूम में सिंगल रह सकते हो या डबल रह सकते हो। अगर हमारे हॉस्टल में ना बहुत सारा साइकिल वगैरह भी है, देख सकते हो, दिखा देना भाई जरा। और हमारा हॉस्टल कैंपस से बाहर है ना, तो इसलिए बहुत सारा साइकिल देख सकते हो। किसी हॉस्टल में इतना भी साइकिल नहीं होगा, हमारे हॉस्टल में उतना साइकिल है क्योंकि कैंपस से बाहर है। आप तो बहुत सारे कमेंट किए थे कि यहाँ पर व्हीकल वगैरह गाड़ी वगैरह अलाउ है कि नहीं, लेकिन थोड़ा यहाँ पर हमारे भाई बैठे हैं तो उनको पूछते हैं थोड़ा बहुत। और भाई आ जाना, ये रहेगा गाइस हमारे हॉस्टल में जैसी में रहते हैं भाई। और बोले तो आपका डिपार्टमेंट बढ़िया गाइस, भाई हमारा ओडिया डिपार्टमेंट का है। भाई बताना हमारा हॉस्टल में व्हीकल वगैरह अलाउ है या नहीं? मैं ओडिया में बोल सकते हो क्या? हाँ हाँ जरूर, हाँ हाँ सबू किसी अलाउ अच्छी, सबू किसी जो समय प्रति मुहूर्त जेकोसी गाड़ी चाहिए आप रखिपारे, सबू किसी सुविधा सुजोग रही गाइस। देखा आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि गाड़ी वगैरह अलाउ है कि नहीं, भाई को एक एक करके पूछते हैं। और भाई बताओ यहाँ कैंपस से बाहर है हमारा हॉस्टल, ठीक है, तो जाने आने में कुछ दिक्कत होता है क्या? हाँ ये मैंने प्रॉब्लम तो किसी होनी, प्राय ये आम कैंपस ठार 2 किलोमीटर दूर है, आम साइकिल अच्छे देखुए साइकिल अच्छे साइकिल जावा करूँ आओ। और बोले तो हमारा जो कैंटीन में खाना पीना कुछ सिस्टम वगैरह कैसा है, मतलब अच्छा है? खाइबा खाइबा पर किसी प्रॉब्लम नहीं, पर बहुत बहुत बढ़िया खाइबा, सप्ताह को प्रायतः सोमवार गुरुवार को छाड़ दे, अन्य सब दिन हमारा आमिष व्यवस्था मध्ये रहिछे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीम में बता दे। और हॉस्टल का जो क्या फैसिलिटी वगैरह है क्या रूम का? तो रूम आउट बढ़िया कथा, हमारे स्ट्रेंथ कह गलो 250 पिला, 250 पिला पर रूम व्यवस्था अछि, प्रति रूम रे मात्र हमर बहुत भलो, अन्य हॉस्टल मान करे 4 जन 6 जन रहउछन, हमारे जने सिंगल सिंगल रूम अछि आ 2 जन गोटे रूम रे 2 जन। आउ जदी रूम रे फैसिलिटी कथा कहबा, गोटे रूम रे हमकु गोटे बेड मिलबो, गोटे स्टडी टेबल मिलबो, आउ प्रति फ्लोर रे कंपलसरी गोटे हमर वाटर फ्रिज रहबो, आ जो इंडक्शन व्यवस्था भी हमर रहिछ, जदी तुमर किछ खाइबा पई इच्छा हुए कि कह हुए इंडक्शन व्यवस्था स्पेशल बने के भी खाई परबा गाइस। इंडक्शन भी सब कुछ यहां पर अवेलेबल है, मतलब अगर खाने में दिक्कत हां और भी अछि, जिम जिम व्यवस्था अछि, टीवी रूम अछि स्पेशल, तापर स्टडी रूम भी अछि, आ सब कुछ सुविधा अछि, किछ प्रॉब्लम नै, गोटे भलो सुविधा हला गोटे रूम रे जने रहि परबो 2 जन रहि परबो। देख सकते हो भाई ने कितना अच्छा तरीके से समझा दिया। और बोले तो अगर जिसको भी थोड़ा समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताना, मैं वो रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस अब मैं हूँ वेस्ट हॉस्टल में, फाइनल आ चुका हूँ वेस्ट हॉस्टल, जैसे से डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका हूँ कैंपस के अंदर, जो कि हमारा वेस्ट हॉस्टल कैंपस के अंदर। और आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। और बोले तो सबसे पहले भाई यार जब भी आऊँगा ना यहाँ पर सबसे पहले मैं घूमना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत प्यारा प्यारा गार्डन है यहाँ पर, देख सकते हो इस साइड भी दिखा देना भाई, बहुत प्यारा गार्डन है गाइस। रेवन से मैं वेस्ट हॉस्टल छोड़ के और किसी हॉस्टल पे नहीं है हमारा इतना प्यारा गार्डन। और बोले तो यहाँ पर हमारा वेस्ट हॉस्टल पे रहने वाले हमारे भाई लोग भी है और उनको थोड़ा सवाल पूछते हैं। और आ जाओ भाई यहाँ पर, देख सकते हो भाई यहाँ पर दो भाई हमारे यहाँ पर है और उनको थोड़ा सवाल पूछते हैं। और आप सभी क्या बहुत सारे कमेंट किए थे कि भाई हॉस्टल का फैसिलिटी वगैरह कितना, हॉस्टल क्या क्या है, बोले तो भाई पहले आपका नाम बताओ। जी मेरा नाम पवित्र सवर है। और भाई आपका? मेरा नाम रुद्र प्रसाद पाणिग्रह है। ठीक है समरिया। भाई आप लोग कौन सा ऑनर्स पे पढ़ाई करते हो? मैं बैचलर्स ऑफ आर्ट्स हूँ और मेरा डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स है। भाई का डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स और भाई का? मेरा भी इकोनॉमिक्स। भाई का दोनों का इकोनॉमिक्स। और बोले तो कौन सा ईयर अभी हमारा? सेकंड ईयर। दोनों का? गाइस दोनों का सेकंड ईयर, बोले तो देख सकते हो। और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के भाई लोग और उनको पूछते हैं, आप लोग रह रहे हो ना वेस्ट पे? हाँ जी हाँ, अब तो हमारा 2 साल हो चुका है अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई, यहाँ पर जब भी आते हैं नया स्टूडेंट बोलते हैं कि गाड़ी वगैरह मतलब व्हीकल वगैरह अलाउ है कि नहीं, यहाँ पर पूछते हैं भाई को आपका हॉस्टल में अलाउ है क्या व्हीकल वगैरह? जी व्हीकल तो अलाउ नहीं है, बस बाहर रख देते हैं और अंदर आ जाते हैं और जो जरूरत होती है जाते हैं, बस इतना ही। मतलब साइकिल अलाउ है और टू व्हीलर मतलब बाइक वगैरह? बाइक वगैरह तो अंदर तो अलाउ नहीं, वो बाहर ही रखते हैं जो जगह ही नहीं गाइस, मतलब यहाँ पर नहीं, हमारा हॉस्टल भी नहीं था, आपको दिखा दिया। आपका जो रूम है एक रूम में कितने जन रहते हैं? एक रूम में 4 जन रहते हैं। और सिंगल रूम है क्या? हाँ सिंगल रूम में एक है, एक जन रहते हैं। भाई कहना चाहता है कि सिंगल रूम भी है और एक रूम में और 4 जन रह सकते हैं और ऐसा कुछ है। और एक क्वेश्चन, मतलब इस वाला हॉस्टल में रैगिंग होता है यानी किसी को पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ ना, तो भाई लोग पूछते हैं यहाँ पर रैगिंग होता है कि भाई? जी नहीं बिल्कुल रैगिंग नहीं होता, कुछ भी रैगिंग वगैरह कुछ नहीं है? जी नहीं। तो
भाई कितना अच्छा है गाइस। और यहाँ पर भाई भी यहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। और भाई यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो भी आते हैं पढ़ाई करने आते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ सेल्फ स्टडी के लिए कुछ है कि नहीं फैसिलिटी? हाँ, यहाँ एक अलग सा स्टडी रूम है। यहाँ पर आपका हॉस्टल में बाहर से आउट ऑफ बॉर्डर अलाउ है क्या अंदर? जी हाँ अलाउ है, मतलब ऐसा अलाउ है ना? अलाउ है। और लड़की वगैरह कुछ अलाउ है कि नहीं? वो तो हर दिन नहीं होता, सिर्फ फंक्शन के डे में होता है, जैसे कि गणेश पूजा बोलो या सरस्वती पूजा बोलो, तभी अलाउ किया जाता है। तो वैसे और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भाई के लिए, और भाई यहाँ पर यूजी रहते हैं या पीजी साथ में रहते हैं, बताओ थोड़ा। जी यहाँ पे सिर्फ यूजी रहते हैं, और वो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर थर्ड ईयर। पीजी नहीं रहते हो? जी नहीं, और अभी इस साल में कुछ बीएड भाई लोग रहते हैं, वो जो मोस्ट सीनियर लोग हैं हमारे। फाइनली वेस्ट हॉस्टल से आ चुका हूँ डायरेक्ट न्यू पीजी हॉस्टल, और मेरे साथ हमारा भाई है और पीजी भाई है, यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं। और भाई नाम क्या है आपका पहले? संदीप कुमार बोरा। भाई का नाम है संदीप। हाय ब्रो, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका ऑनर्स कौन सा है? मैथमेटिक्स। भाई का ऑनर्स मैथमेटिक्स है, और कितना मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर हूँ। और उनको थोड़ा कुछ सवाल पूछते हैं इनका हॉस्टल के बारे में न्यू पीजी, क्योंकि भाई रहते हैं मैं थोड़ी रहता हूँ। गाइस आपसे बहुत सा कमेंट किए थे कि हॉस्टल में गाड़ी वगैरह अलाउ है कि नहीं, भाई यहाँ पर गाड़ी वगैरह अलाउ है कि नहीं, मतलब व्हीकल वगैरह? हाँ व्हीकल वगैरह अलाउ है, मतलब कि यहाँ पर मतलब स्पेशल एक स्टिकर्स मिलता है, मतलब कि जो बॉर्डर से वो चाहते अगर हम रख सकते तो हाँ रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर साइकिल वगैरह व्हीकल वगैरह सब कुछ अलाउ है, आप बहुत सारे कमेंट किए थे, बोले तो बस आप भी लेके आ जाओ अगर जो भी नया आने चाहते हो। आपका हॉस्टल में रैगिंग होता है क्या? नहीं रैगिंग तो नहीं होता है, वो सीनियर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। अच्छा, बहुत मतलब फ्रेंडली है ना? हाँ बहुत फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि अभी रिसेंटली हमारा जो फंक्शन भी गया उसके हिसाब से बोलो या फिर और किसी के हिसाब से बोलो, मतलब कि सीनियर तो मुझे अच्छा खासा मतलब कि लगे। गाइस यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, वहाँ पर लड़की अलाउ है कि नहीं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई यहाँ पर लड़की अलाउ है क्या, मतलब कि ऐसे स्पेशल ओकेजन में, जैसे कि आज पूजा हो गया एंड वो हाँ पूजा फेस्टिवल या फिर जो इंडिपेंडेंस डे उस टाइम ही अलाउ करते हैं। मैं न्यू पीजी हॉस्टल से आ चुका हूँ डायरेक्ट न्यू हॉस्टल, मतलब जैसे वो न्यू पीजी हॉस्टल नाम है उसका, और वैसे यहाँ ईसल हॉस्टल का नाम है न्यू हॉस्टल बोले तो। और फिलहाल यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी रहता है, मतलब मेरा डिपार्टमेंट का एक मेरा दोस्त ही रहता है, तो उसको बुलाया। सो फाइनली मेरे साथ है मेरा दोस्त, और बोले तो नाम है हिमेश साहू, क्योंकि मुझे पता है नाम पूछने जरूरत नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट मेरा दोस्त है। गाइस देख सकते हो न्यू हॉस्टल में रह रहा है, जैसे तुम्हारा भाई रह रहा है न्यू क्या जैसे हॉस्टल में, वैसे मेरा दोस्त रह रहा है न्यू हॉस्टल। और न्यू हॉस्टल का फैसिलिटी बारे में आप सबको जानना है ना, तो चलो गाइस पूछते हैं उनके बारे में। रूम में रह रहे हो, एक रूम में कितना जन रह रहे हो? एक रूम में चार रहते हैं, सिंगल रूम है उधर दो रहते हैं। ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर पीजी रह रहे हो या यूजी रह रहे हो? ओनली यूजी। पीजी नहीं है? पीजी नहीं भाई, इस न्यू हॉस्टल में पीजी नहीं है, बस यूजी रह रहे हैं। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम्हारे हॉस्टल में रैगिंग कुछ होता है क्या? नहीं। तो और एक क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे हॉस्टल में व्हीकल वगैरह अलाउ है क्या? हाँ साइकिल्स भाई अलाउ है, और बाइक अपने रिस्क पे ला सकते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन था, और जो कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सभी को भाई कमेंट में जरूर बताना। आ चुका हूँ ललित गिरी न्यू हॉस्टल से डायरेक्ट ललित गिरी, और मेरे साथ है मेरे भाई। और बोले तो भाई सबसे पहले नाम बताओ आपका। मेरा नाम सालेम है। और भाई का नाम है सालेम, और डिपार्टमेंट मेरा एजुकेशन। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन भाई के लिए, और भाई पहले बताओ आपका यहाँ पर खाने का फैसिलिटी कैसा है? नहीं ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। हाँ इधर हो जाता है ना कभी कभी, समझ रहे हो गाइस। और आप पूछते हैं कि रूम मतलब रहने का फैसिलिटी कैसा है, मतलब एक रूम में कितने जन रहते हो? एक्चुअली एक ही रूम में, हमारा रूम में फाइव लोग रहते हैं, मतलब एक रूम में पाँच जन या छः जन रह सकते हैं। और मतलब सिंगल रूम नहीं है क्या? सिंगल रूम नहीं है यहाँ पर, मतलब ओनली पीजी रहते हो या यूजी रहते हो या साथ में रहते हो? ना साथ में पीजी यूजी पीएचडी, लेकिन हमारा जो बैच है ना हाँ वो लास्ट बैच है यूजी का। अभी फिलहाल के लिए रह रहे हैं यूजी और पीजी साथ में है ना? हाँ साथ में, ये हमारा लास्ट बैच है। हाँ गाइस ये इनका लास्ट बैच है, उसके बाद ओनली पीजी हॉस्टल हो जाएगा बोले तो, पीजी स्टूडेंट रहेंगे यहाँ पर। तो भाई सारे हॉस्टल की तरह इसी हॉस्टल में भी गाड़ी वगैरह अलाउ है कि नहीं पूछते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पर आपका हॉस्टल में अलाउ है क्या व्हीकल वगैरह? हाँ बाइक वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर भी व्हीकल वगैरह अलाउ है देख सकते हो वैसे। सर बहुत सारा क्या क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है भाई के थ्रू, और क्या ही बोले, थैंक्स सो मच भाई, और बहुत अच्छा लगा। गाइस और भी कुछ अगर सवाल है ना कमेंट में बताना जरूर, और एक बार आके आप सभी के लिए कमेंट का जवाब भाई नहीं देगा, उसको ही जाके पूछेंगे, तो जरूर कमेंट करना। तो थैंक यू सो मच भाई। तो गाइस चलते हैं अभी और एक हॉस्टल। सो गाइस अब फाइनल में पहुंच चुका हूं ललित गिरी हॉस्टल से डायरेक्ट ईस्ट हॉस्टल पर, और मेरे साथ है हमारा भाई। आजा भाई आजा आजा। सो गाइस हाय कर पहले। हाय। सो गाइस ये हमारा भाई यहां पर रहते हैं ईस्ट पे, और सबसे पहले जानना चाहेंगे भाई का नाम। और भाई नाम क्या है आपका? क्या उड़िया में बोल सकता हूं? हाँ ठीक है कोई बात नहीं बता। मो नाम अजित कुमार पलागा। डिपार्टमेंट इंग्लिश। सो गाइस सबसे पहले अभी चलते हैं हमारा टॉपिक पे, यहाँ पर एक हॉस्टल एक रूम में कितने जन रहते हो भाई? बहुत किसी रूम अच्छे, कतरा डबल रूम अच्छे, कतरा फोर सीटर रूम अच्छे,
सिंगल सिंगल पिला भी रही पारे गोटे में चार जन रही पारे एंते किसी सुविधा छ मतलब एक रूम में सिंगल बेड भी है और उसके बाद चार भी रह सकते हैं ना चार जन भी रह सकते हैं ऐसा कुछ सीन है अच्छा तो और एक क्वेश्चन तो गाइस यहां पर जानना चाहेंगे कि पीजी रहते हैं या यूजी या साथ में रहते हैं तो भाई यहां पर यूजी और पीजी साथ में रहते हो या अलग अलग